हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज के टाइम में हेल्दी रहना और हेल्थ को मेंटेन करके रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें चाहिए अपनी अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी ताकत, जो हमें ऐसी ताकत जो हमें हमेशा ठीक रख सके, और उस ताकत को कहते हैं इम्यूनिटी। भगवान ने हमारी मशीनरी इतनी अच्छे से बना रखी है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब नहीं करें तो ये अपने काम, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकती है। आज से अगर 50-60 साल पहले की मैं बात करूं तो उन दिनों में इतनी बीमारियां नहीं होती थी, और खास करके जो लाइफस्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं, जिसके लिए उम्र भर दवाइयां खानी पड़ती, वो तो बिल्कुल नहीं होती थी। और आजकल तो अभी रिसेंटली 2 साल हो गए हैं और एक परेशान करके रखा हुआ है इस महामारी ने, कोरोना, डरा के रखा हुआ है। और डरना भी चाहिए, ये ऐसी चीज है, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जरूरी है ये सब, और उसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना चाहिए। जब आप इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे और सोशल सर्कल में एक नहीं हजारों ऐसी चीजें मिल जाएंगी, और हजारों आपको ऐसी टिप्स देने वाले मिल जाएंगे, आप ये कर लो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप ये कर लो इससे बूस्ट होगी, आप बीमार नहीं होगे इसलिए आप ये खा लो, आप ये खा लो, ये खा लो, और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज अनुपात से ज्यादा मात्रा में लेना, खाना या कोई भी और चीज हो, वो नुकसान करती है, और यही फॉर्मूला इम्यूनिटी पर भी लागू होता है। इम्यूनिटी की बात करें तो बहुत सारी चीजों के नाम आते हैं, हमारी किचन में ढेरों मसाले हैं, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, न जाने कितनी चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं, लेकिन इनको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से वो बॉडी में टॉक्सिन हो जाती है, टॉक्सिन्स क्रिएट करती हैं, और टॉक्सिन से बीमारियां होती हैं। तब क्या किया जाए? या तो आपको उसका सही अनुपात पता है तो आप उसको खुद घर में बना सकते हैं, जैसे तुलसी है, 4 पत्ते तुलसी के डाले उसकी चाय पीते रहे, अदरक, थोड़ी सी अदरक डाली उसकी चाय बना के पी ली, ये तो हो गया नॉर्मल चीजें जो हम नॉर्मल घर में यूज करते हैं। लेकिन अगर काढ़े की मैं बात करूं तो उसके लिए आपका अनुपात सही होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ तुलसी और गिलोय की बात करूं, क्योंकि तुलसी और गिलोय ये दो चीज ऐसी हैं जो मैक्सिमम बीमारियों से बचा सकती हैं, खास करके कफ एंड कोल्ड, उससे तो ये बहुत जल्दी राहत दिलवाती हैं। होता है ना, किसी को कफ हो गया तो कहेंगे तुलसी की चाय पी लो ठीक हो जाएगा, तो ये वाकई में इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनको भी अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसका रेशो सही नहीं जानते हैं तब आपको कोई ऐसी चीज लेनी चाहिए जो रेडीमेड है, ऐसा कोई जूस लेना चाहिए जिसको बनाने में बड़ा एहतियात बरती गई है, बड़े ध्यान से उसको बनाया गया है। और इम्यूनिटी के लिए अगर ऐसे किसी जूस की बात आती है तो मुझे लगता है कि अगर मैं कपीवा की बात करूं, जैसे कि ये है कपीवा तुलसी गिलोय जूस, इसमें तुलसी भी है, इसमें गिलोय भी है, जिन दो चीजों की मैंने बात की कि वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मात्रा सही होनी चाहिए। अगर आपको पता है मात्रा सही है या आपको बनाने में आलस नहीं आ रहा है तो आप अपनी किचन में खुद बना सकते हैं। अगर रेशो का नहीं पता है तब ये रेडीमेड जूस जो है बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसको बनाने में एक तो सही तरीके से सही रेशो में बनाया हुआ है, इसके साथ मेजरमेंट दिया हुआ है आपको कितना लेना है। उस मेजरमेंट में भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैं अगर लेती हूं तो मैं दिन में एक बार लेती हूं, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी और चीजें भी लेती हूं जिससे मेरी इम्यूनिटी ठीक हो, तो मैं एक्सेस नहीं करती हूं, एक बार लेती हूं। आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, मेजरमेंट दिया हुआ है, पानी में मिलाना है, पीना है, बस कुछ करना नहीं है। तो अगर आपको सही रेशो नहीं मालूम है तब ऐसी चीज के लिए जाना चाहिए। इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि किसी ने बता दिया और किसी ने कह दिया ये बहुत अच्छी है, आप इसको ले लो, इसके बाद तो आपको कोई भी बीमारी होगी नहीं। मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक ये बहुत पहले की बात है, व्हेन आई वाज आई थिंक 45, तो उस टाइम मेरी आंख थोड़ा कमजोर होना शुरू हुई और मुझे 0.5 का चश्मा लग गया। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड आई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने वो चश्मा दिया, और फ्रेंड का अपना एक केमिस्ट का शॉप था, और वो एक दिन आई घर में और ढेर सारे विटामिन ए के कैप्सूल लेके आ गई
कि ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इससे नजर जो है आगे और कमजोर नहीं होगी, जितनी हो गई है उतनी ठीक है लेकिन आगे कमजोर नहीं होगी। अब क्योंकि उसके हस्बैंड डॉक्टर थे और उसने मुझे गिफ्ट किया था वो, तो मैंने वो जो एक डेढ़ महीने या दो महीने की जो उसने दवाई दी थी, मैंने पूरी वो कैप्सूल एक एक करके जैसे जो रिकमेंडेड डोज थी उस हिसाब से खा ली। लेकिन विद इन 3-4 मंथ्स मुझे स्किन में रैशेज आए, स्किन खराब होना शुरू हो गई, हाथ की पैर की उंगलियों की स्किन खराब होना शुरू हुई। और जब टेस्ट करवाए तो पता चला कि बॉडी के अंदर जिंक ज्यादा हो गया था और विटामिन ए ज्यादा हो गया था। तो क्या मुझे ये गलती करनी चाहिए थी कि मेरी फ्रेंड ने कहा आप ये दवाई खा लो और मैंने खा ली? नहीं लेनी चाहिए थी ना। इसके बदले में मेरी मदर ने कहा था कि वो व्हाइट मिर्च के लड्डू बना के खा लो, और बाद में मैंने वही खाए, उसी से मेरी नजर जो थी वो ठीक रही। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ किसी के कहने भर से कुछ ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जो हमारी बॉडी को सूट करती हैं अपने आप को जान लेना चाहिए और उस हिसाब से फिर उनको लेना चाहिए। तो इम्यूनिटी के लिए चाहे विटामिन सप्लीमेंट्स हो, कोई मिनरल सप्लीमेंट्स हो, या कोई काढ़ा हो, या कोई जूस हो, वो एक लिमिट में, जो उसकी पर्टिकुलर दी गई लिमिट है उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। दिस इज द समरी। जैसे अगर मैं अदरक की बात करूं तो एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा अदरक नहीं खानी चाहिए, और वो तो उनको तो ये अदरक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनका जिनको गाल स्टोन का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को जो मेडिकेशन पर है उनको तो अदरक बिना अपने डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और खास करके जिनका थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा होता है, 6 मंथ क्रॉस कर चुके हैं, उनको भी ज्यादा अदरक नहीं लेनी चाहिए, नुकसान कर सकती है। जो लोग अंडर वेट है उनको भी अदरक नहीं लेनी चाहिए। तो अगेन द मेन थिंग इज जस्ट नो योर बॉडी एंड व्हाट इट नीड्स, गिव इट दैट मच ओनली। उसके लिए आपको अगर किसी से कंसल्ट करना पड़े इट इज ओके, आप कंसल्ट करें, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर देख के, सिर्फ सोशल सर्कल में सुन के उस हिसाब से कुछ भी ना लें। अब जैसे विटामिन सी की बात करते हैं, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत और कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है सिट्रिक फ्रूट से मिलता है, लेकिन अगर ये भी ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, तो लेना चाहिए लेकिन लिमिट में लेना चाहिए। लहसुन बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, गुड बैक्टीरिया इससे पनपते हैं और बैड बैक्टीरिया खत्म होते हैं। अगर रात को 2 कली सिर्फ लहसुन की बारीक बारीक काट के और गुनगुने ल्यूक वार्म वाटर के साथ खाई जाए तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ 2 कली कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, इसलिए मैं इतना सारा खा लूं तो मुझे नुकसान करेगा। टर्मरिक, गोल्डन मिल्क, गोल्डन ड्रिंक बहुत अच्छे होते हैं इम्यूनिटी के लिए, लेकिन अगर ज्यादा ले लिया तो वो भी किडनी का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्टोन का, गॉल ब्लैडर में स्टोन का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी इम्यूनिटी की चीजें हैं हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए इनको यूज करना चाहिए, लेकिन लिमिट में यूज करना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग लिमिट में नहीं कर रहे हैं कि डर के मारे कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, इसलिए हम इतने सारे काढ़े पिए जा रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है। आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि कोई काढ़ा पीने से किसी का किडनी में प्रॉब्लम हो गया, किसी का किसी चीज में प्रॉब्लम हो गया। वो काढ़ा पीने से नहीं हुआ, एक्सेस में पीने से हुआ। आपको लिमिट में लेना चाहिए, और अगर आपको लिमिट समझ में नहीं आ रही है तो जैसा कि मैंने बताया, आप ये इस तरीके का जो अच्छी कंपनी का जूस है वो आप ले सकते हैं। ये गिलोय और तुलसी का जूस है, इसमें तुलसी जो है वो वाइल्ड तुलसी है, जो गिलोय है वो ये नीम के ऊपर चढ़ी हुई बेल का जूस है। नीम के गुण भी इसमें आएंगे, गिलोय के गुण भी आएंगे, और कितना लेना है, कैसे लेना है वो भी इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी लेती हूँ, और मेरा एक रूल है कि मैं जो भी जूस लेती हूँ, चाहे मैं वो आंवला का जूस हो, चाहे वो गिलोय का तुलसी का जूस हो, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर जूस हो, मैं एक तरह का जूस लगातार 1 महीना लेती हूँ, फिर 10 दिन का ब्रेक देती हूँ, और फिर अगर मुझे शुरू करना है तो दूसरे टाइप का शुरू करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये तरीका बेस्ट है, जिससे कोई भी चीज आपकी बॉडी में एक्सेस नहीं हो और नुकसान नहीं करे। तो छोटी सी चीज है, छोटा सा ये एक मेरी सजेशन है कि कोई भी चीज किसी के कहने पर एक्सेस में मत लो, वो नुकसान कर सकती है। अपनी हेल्थ को अच्छी रखो, इम्यूनिटी को अच्छी रखो। तो ये एक मेरी छोटी सी सजेशन थी जो मैंने अभी रिसेंटली देखा हमारे आस पड़ोस में कि
ज्यादा कुछ लेने से उनको नुकसान हुआ, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी एक बार बात करनी चाहिए। आप अपने आप को हेल्दी रखिए, खुश रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।